मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे SSC JEE 2018 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ये मेरा दूसरा सेशन है, पहला सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया जिसमें कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस क्या होने चाहिए, या तो क्या सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा अपलोड टचअप करवा दूंगा मैं, एग्जाम डेट कौन सा है, ठीक है, साथ में कौन से बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, और एक मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट रखा हूँ जिससे कि आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, और आपको एनालाइज करना है खुद को सीरियसली एग्जाम के टाइम पे कि कैसे आप लोग टेस्ट दीजिए और कैसा आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट दो तो हमेशा सिलेबस से होता है। अगर आप लोगों को ठीक ठाक सिलेबस नहीं पता तो आप लोगों की तैयारी का फर्स्ट स्टेप ही गलत हो सकता है और आप लोग डाइवर्ट हो सकते हैं अपने बात से। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सिलेबस को जानना और पहले अच्छे से रीड करना कि किस तरह से सिलेबस आने वाले हैं आपकी JEE के एग्जाम 2018 में। तो JEE के एग्जाम के 2018 के बारे में बता दो दोस्तों, उसमें टोटल दो पेपर्स होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले इंटरव्यू होते थे पर अब कोई इंटरव्यू आपके नहीं होंगे। टोटल दो पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, सेकंड पेपर मेंस एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, या तो पहले पेपर को आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं, सेकंड पेपर का कन्वेंशनल, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो MCQ टाइप होगा और सेकंड पेपर जो टेस्ट है उसमें आप लोगों को जैसे एग्जाम में आप लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों वो है फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव प्रिलिमिनरी, क्योंकि अगर प्रिलिमिनरी आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेंस के लिए ऐसे ही आप लोगों को कॉल नहीं मिलेगा। सो प्रिलिमिनरी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई भी आप लोगों को कॉपी ये सब नहीं मिलेगा, सब ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, या तो कह सकते हैं तीन पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट जो होगा वो 50 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के मिलके होंगे 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस को होंगे, बाकी 100 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके इंजीनियरिंग सेक्शन से होंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल से 100, सिविल के 100 जैसे हैं जो आपके डिपार्टमेंट है उससे 100, और बाकी 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के सबके सेम रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सबके सेम रहेंगे, ठीक है। टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा आपको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ क्लियर है दोस्तों कि टोटल जो है इंजीनियरिंग से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं प्रिलिमिनरी की, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा और डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन से सेक्शन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, मेनली जो होते हैं वो एम्फेसिस करते हैं कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक की बात की जाती है कि जनरल अवेयरनेस की, तो लास्ट 6 मंथ्स के आप लोग अगर आप लोग कर लेते हैं कवर, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो मोर देन सफिशियंट है। उसमें से भी जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, उसमें से हिस्ट्री से भी जो है इंडियन नेशनल मोमेंट्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़े क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, उसकी मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, आप लोग जरूर उन वीडियो को देखिए। मैंने हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जो है ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है अपलोड कर दिए हैं अपने सेशन में, आप लोग जरूर उनको देखिए। साथ में जो है मैंने 6 मंथ्स के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के टेक्निकल सेक्शन में जो सिलेबस दे रखा है, पर एक चीज़ है कि इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, पर एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि उन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग ये मत सोचिए कि सर इसमें इंक्लूड नहीं है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस जितने हैं उस सारे से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में। और अगर बुक की बात करें दोस्तों तो आप लोग फुर्मी एंड गुप्ता की बुक फॉलो कीजिए,
उसे आप लोग अच्छे से थोरोली बार बार जो है उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि साथ साथ आप लोग आरके जैन की बुक भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आप लोग के लिए टफ है, पर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और लास्ट जो है 15 ईयर्स के क्वेश्चन आप लोग कलेक्ट कीजिए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। आप लोग देखिएगा कि एग्जाम टाइम में अगर 15 ईयर्स के क्वेश्चन साथ में अगर कुर्मियन गुप्ता का आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रिलिमिनरी निकालना, ठीक है दोस्तों। और साथ में अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं आप लोगों को रेगुलरली क्या होगा क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूंगा, आप लोगों के लिए टेस्ट लेता रहूंगा, आप लोग उसको सेल्फ एनालाइज करते रहिए और देखिएगा कितना इजिली आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा डीपली बात करें सिलेबस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग बार बार मैं कहूंगा कि ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत कीजिए, गेट या ईएस के क्वेश्चंस आप लोग मत पढ़िए, क्योंकि उतना डीप क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला बुक बना लीजिए और बार बार उस फॉर्मूला को रिवाइज करते रहिए, और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम डेट जो बात की गई है कि एग्जाम का जो डेट है वो 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी के बीच में 2018 के बीच में पेपर वन का होने के एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होता है तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक आप लोग सोचिए कि जनवरी 5 से लेके 8 तक है आप लोगों के पास, मतलब टाइम ओनली 1.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास टाइम है, आपको इसके बीच में ही अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, बार बार एक ही बुक को बार बार रिवाइज कीजिए। 50 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार रिवाइज करना ज़्यादा बेटर है। साथ में जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हैं उससे जो भी फॉर्मूला बन रहा है आप लोग बार बार उस फॉर्मूला को एक कॉपी में नोट कीजिए और उस कॉपी को रात को सोने से पहले बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप ईएस या गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, देखिए कितनी आसानी से आप लोग एग्जाम क्लियर कर जाइएगा। तो दोस्तों चलिए मैं एक मॉक टेस्ट आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ रहिए और मैं क्वेश्चंस पहले आपको बताता जाऊँगा, आप लोग खुद एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप टोटल कितना क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर लास्ट में जो है मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने टोटल में कितना सही किया, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग प्रिपरेशन लेवल कैसा है। और जल्दी ही मैं और भी सेशंस जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, रेगुलरली आप लोगों के लिए टेस्ट लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, आपको बताना है विस्कस फोर्सेस, कोहेजन, एडिशन, द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कोहेजन, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए, मैं लास्ट में जो है इसका आंसर देता जाऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ फ्लूइड, शियर स्ट्रेस, प्रेशर एंड विस्कोसिटी, द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन होगा दोस्तों, ठीक है, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ए बेल क्रैंक लीवर इज रेक्टेंगुलर, इलेप्टिकल, आई सेक्शन और एनी ऑफ दिस। आप लोग अपने एक कॉपी लीजिए और अपने आंसर को मार्क करते जाइए और लास्ट में जो मैं आंसर बताऊंगा अपना टेली कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डायमीटर, लेंथ ऑफ रिवेट, टाइप ऑफ हेड, लेंथ ऑफ ट्रेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सेम एज सेचुरेशन टेम्परेचर, इंडिकेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, इंडिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम। जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं वैसे ही एग्जाम दीजिए दोस्तों, सीरियसली सब कुछ भूल जाइए दुनिया को एक महीने के लिए और खुद को प्रूफ करके दिखाइए दोस्तों। आप लोग विश्वास रखिए एक महीना अगर आप लोग सब कुछ भूल के अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड द सरफेस टेंशन इज 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज गियर टीथ आर मेड हार्डर टू अवॉइड गियर कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेस इन ए बेंडिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्रेशन और वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Superheating in a refrigeration cycle increases COP, means coefficient of performance, decreases COP, COP remain constant or unpredictable. The unit of inertia of mass are kg per meter square, meter cube or kg meter square. Next question is the ratio of energy transferred by convection to that by conduction is called Stanton number, Nusselt number, Biot number or Picklet number. In a thin cylinder cell, the ratio of longitudinal stress to hoop stress is option is 0.5, 1, 2, 4. Next question is limiting value of Poisson's ratio are minus 1 and 0.5, 1 and 0.5, 1 and minus 0.5, 0 and 0.5. Our next question is two bars of different material are of same size are subjected to same tensile forces. If the bars have unit elongation in the ratio of 4:7, then the ratio of modulus of elasticity of the two material is. Aapko modulus of elasticity ka ratio batana hai dono material ka. 7:4, 4:7, 4:17 or 16:49. Our next question is water boils when its vapor pressure equal to the surrounding equal to 760 mm of mercury equal to atmospheric pressure or equal to the pressure of water in the container. Our next question is the strength of a properly welded joint as compared to base metal would be same, more, less or unpredictable. Our next question is the blades of gas turbine are made of mild steel, stainless steel, high alloy steel or high nickel steel. You have to see that the blades of gas turbine is made of which material. Next question is rate of change of angular momentum is equal to force, torque, linear momentum or impulse. Next question is German silver contains 1% silver, 2.5% silver, 0% silver or 10% silver. Next question is which of the following is the most ductile material you have to see? Mild steel, copper, zinc, aluminium or nickel. तो दोस्तों इसमें मैंने पांच ऑप्शन इसलिए दिए हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमेशा जो है कंफर्म रहना है चीजों के लिए. आप लोग ज्यादा जो है ऑप्शन पे बेस्ड मत रहिए. अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप लोग बिना ऑप्शन के भी किसी को ऑप्शन सही कर पाए. जैसे यहाँ डक्टाइल मटेरियल की बात की गई है तो मैंने इसलिए यहाँ पांच ऑप्शन दे दिए हैं कि डक्टाइल मटेरियल में अगर मैं एक ऑप्शन में कम कर देता तो मे भी आप लोगों के लिए इजी हो जाता. तो थोड़ा सा डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने ये किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर गैस इंजन, ऑयल लुब्रिकेंट इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन और रिवर्सिबल इंजन. दोस्तों ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन थे. चलिए मैं कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे आप लोग के लिए अपलोड किया हूँ, उसे भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ये मॉक टेस्ट टाइप का है, शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर्स कम है तो टाइम भी आप लोग के लिए कम है. मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा, पूरा टेस्ट जैसा होता है वैसे लूँगा, टाइम मैं अलॉट कर दूंगा, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है. ठीक है, आप लोग चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे टेस्ट दे सकते हैं, उसमें मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द प्रॉफिट ऑब्टेंड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹56 इज सेम एज द लॉस ऑब्टेंड बाय सेलिंग इट फॉर ₹42. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए कैन डू ए वर्क इन 14 डेज एंड वर्किंग टूगेदर ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज. In what time can we alone do the work? अगला प्रश्न है दोस्तों, with the money I have, I can buy 50 pens or 150 pencils. I kept 10% aside for the taxi fare. With the remaining, I purchased 54 pencils and P pens. What is the value of P? आपको P का value बताना है.
अगला प्रश्न है दोस्तों, टू बसेस ए एंड बी लीव द सेम बस डिपो, ए टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड बी टुवर्ड्स द ईस्ट। द बस ए ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h मोर देन दैट ऑफ बस बी। इफ आफ्टर 4 hours द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस इज 100 km, फाइंड द स्पीड ऑफ बस ए। आपको बस ए की स्पीड बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता इज 82589662, हाउ कैन कालीकट बी कोडेड। नेक्स्ट है, टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन इन बिलो, विच वन ऑफ द अपीयर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 5। दोस्तों आपको जो है कौन से जो है नंबर 5 के ऑपोजिट में क्या होगा आपको बताना है ये क्यूब्स को देख के, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम इज डिस्कवर्ड बाय, वर्ल्ड का फर्स्ट जो है हाइब्रिड जो ट्राम है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। अगला प्रश्न है, हु हैज वोन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2017। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन। नेक्स्ट इज, ये सीरीज है आप लोगों को बताना है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। 1.53, 5.59, 13.5, 19, उसके बाद क्या होगा नीचे के ऑप्शंस में से। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों को इसके आंसर बताने हैं। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, ठीक है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसके आंसर बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप लोग जरूर बताइए कि इसके थोड़ा सा एलिब्रेट करने से बेटर होगा या डायरेक्टली मैं ऐसे ही आंसर बता दूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर होगा सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन, ठीक है। दोस्तों आप लोग मैच कर लीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट इज, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट इज, द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ए बेल ट्रंक लीवर इज एनी वन ऑफ दिस, मींस रेक्टेंगुलर, इलेप्टिकल और आई सेक्शन। सही आंसर दोस्तों, रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डायमीटर। हेड, सैंक और टेल क्या होता है आपको पता ही होगा दोस्तों, ये होता है सैंक और बॉडी इसे कहते हैं, इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। अगला जो था दोस्तों कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज इंडिकेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, मीन्स एयर में कितना मॉइस्चर है उसे इंडिकेट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर से। अगला था ये न्यूमेरिकल था दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर 40 Nm/m² आएगा, ठीक है। नेक्स्ट था, गियर ट्रेन आर मेड हार्डर टू अवॉइड वियर, वियर को अवॉइड करने के लिए गियर ट्रेन को जो है टीथ को जो है वो हार्डर बनाया जाता है। अगला था दोस्तों, सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल डिक्रीजेस COP, इन सुपर हीटिंग अगर बढ़ता जाएगा तो COP डिक्रीज होता जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ इनर्सिया ऑफ मास आर kg/m² होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था, द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू द कंडक्शन इज कॉल्ड नसेल्ट नंबर, कंडक्शन कन्वेक्शन के रेशियो को नसेल्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज, इन ए थिन सिलेंडर सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू ओपन स्ट्रेस इज 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट इज, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज -1 to 0.5 होता है, ठीक है, पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू। अगला है, दोनों के रेशियो कीजिएगा, मॉडरेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टू मटेरियल का रेशियो क्या होगा 7:4, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो प्रश्न था, वाटर बॉयल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग एक्सपोज करते हैं तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तभी वो बॉयल होता है, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 atmosphere, मीन्स या तो 101325 pascal और 101.325 kPa और 760 mm of HP होना चाहिए, तभी वाटर बॉयल होता है। और कब ये होता है, जब वाटर 100°C तक पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, इक्वल टू 760 mm of mercury। अगला जो प्रश्न था दोस्तों कि स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू द बेस मेटल इज मोर, ठीक है। वेल्डेड जो जॉइंट होता है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेस मेटल। अगला प्रश्न था दोस्तों, ब्लेड ऑफ गैस टरबाइन किसके मेड ऑफ हाई निकल एलॉय से बना हुआ होता है। अगला था दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क। अगला प्रश्न था दोस्तों, जर्मन सिल्वर कंटेंट्स कितना परसेंट सिल्वर कंटेंट होता है, तो जनरल जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता है, उसमें 60% कॉपर होता है, 20% निकल होता है और 20% जिंक होता है। तो दोस्तों आप लोगों के मन में आएगा तो सर उसे जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मन सिल्वर का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर टाइप, इसलिए उसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है, उसमें कोई सिल्वर नहीं होता है।
अगला प्रश्न था उसको विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, तो माइल्ड स्टील इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल अमंग ऑल दिस। अगला प्रश्न था दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ कार्बोरेटेड इंजन इज मैक्सिमम, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि रिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी हाईएस्ट होता है उससे ज़्यादा किसी का एफिशिएंसी नहीं होता है, तो कोई भी इंजन हो उसमें अगर रिवर्सिबल इंजन हो तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। अगला था न्यूमेरिकल था दोस्तों, बेस्ट था जो है सीपीएसपी से बेस्ट था, ठीक है तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 49 आंसर आएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए कैसे 49 आया। अगला प्रश्न था दोस्तों टाइम इन वर्क से रिलेटेड, तो आंसर आएगा 35 डेज, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। कैसे आया आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट अगेन सी पी एस पी से रिलेटेड था, आंसर 27 आएगा दोस्तों, कैसे आया आप लोग थोड़ा पॉज करके देख लीजिए। स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था दोस्तों, आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर 20 किलोमीटर पर आवर कैसे आया, तो आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित था दोस्तों, तो आंसर आएगा 8251896, ठीक है ये कालीकट का कैसे आया दोस्तों, अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए इसे कैसे आ सकता है 8251896 कैसे आया। अगला था क्यूब का था, नंबर ऑपोजिट टू द फेस 5 इज 6, अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है कैसे 6 आया। अगला प्रश्न था दोस्तों कि फर्स्ट हाइब्रिड ट्राम किसने बनाया, तो चाइना के द्वारा सबसे पहले यह हाइब्रिड ट्राम बनाया गया, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया गया था कैसे क्या था सब कुछ। नेक्स्ट था हु वन नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए 2017 में, किसने जीता, हुआ काजुओ इसेगुरो। मैंने बहुत ही एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है दोस्तों जिसके माध्यम से आप लोग जो है किसने किसने नोबेल प्राइज 2017 में जीता उसे आप लोग इजिली याद कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा आपके एग्जाम में, सो आप लोग जरूर इसे देख लीजिए दोस्तों, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। अगला सीरीज से प्रश्न था कि सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा, तो 25.15 होगा, कैसे आएगा, प्रत्येक 1.5 के बाद प्रत्येक में आप लोग 1.5 ऐड कीजिए, फिर 2.5, फिर 3.5 ऐड करते जाइए, लास्ट में यहाँ पे 6.5 ऐड कीजिएगा तो 25.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं ऐसे ही वीडियोस दोस्तों आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और विश्वास रखिए दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। इसके सिवा मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।